अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चने का दाल और चिकन का सालन। तो आइए देखते हैं। ये मैंने 1 किलो चिकन लेके बॉईल करने मतलब फ्राई करने के लिए रखी हूँ। ये जब तक फ्राई हो रहा है तो मैंने इधर पे 3 मीडियम साइज़ के कांदे काट के और गोल्डन ब्राउन होने तक रखी हूँ। इसमें मैंने 3 तेज पत्ते रखे हैं। आइए जब तक वो हो सब हो रहा है हम डालते हैं मसाले, हमारा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 बड़े चम्मच अदरक ली है, 2 बड़े चम्मच खोपरा और मैंने लिया थोड़ा लहसुन। ये रहा हमारा कोथमीर और इसमें मैंने लिया 7 से 8 हरी मिर्ची। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो आप सब देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ सूखे मसाले लिए। ये है जीरा 1 चम्मच, एक काली मिर्च और कबाब चीनी ली हूँ 4-5 और ये बादियाने का फूल 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े और 6 मैंने लौंग ली हूँ और ये जावित्री ली हूँ और थोड़े से मैंने जायफल ली हूँ और ये रहा खसखस। अभी इसी में मसाले में हमें सब ये सूखे मसाले ऐड करना है। अब हम जा रहे हैं फाइन पेस्ट बनाने के लिए। चलिए, तो आप देख सकते हैं मेरा कांदा हल्का सा गोल्डन एंड ब्राउन हो चुका है और ये रहा मेरा मसाला। अब मैं इसमें इसे ऐड कर देती हूँ। हो गया, अब इसमें हम डालेंगे भुक्का मसाला। ये मैंने 1 चम्मच मिर्ची भुक्की ली हूँ, 1 चम्मच हल्दी भुक्की और 2 चम्मच मैंने धनिया भुक्की ली हूँ। ये सब डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें मैं डालूंगी नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसे हम अब हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है जब तक इसमें से ऊपर तेल ना आ जाए। तो अब मैं इसे भूनने तक हैं। हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है और ऊपर तेल भी आ चुका है। अब इसमें हम चने का दाल ऐड करेंगे जो मैंने 1 कप लेके 2 घंटे के लिए भिगो के रखी थी। इसे मैं ऐड करना है हमें अच्छी तरीके से। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फिर इसमें मैंने आलू ली हूँ, ये डालना है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी डाल दिया अपने हिसाब से। अब इसे हम 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी लगाने के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 2 सीटी लगा चुकी हूँ। दाल अच्छी तरीके से गल चुका है और बटाटा भी। अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी जो मैंने अच्छे से फ्राई करके रखी हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें चिकन ऐड कर चुकी हूँ। इसमें अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें अपने हिसाब से पानी डाल चुकी हूँ। अब इसमें मैं 3 सीटी और लगाऊंगी चिकन डाल के। देख सकते हैं मेरा सालन तैयार हो चुका है। गोश्त, चने का दाल और बटाटा सब अच्छी तरीके से हो चुका है। आप अपने घर में ज़रूर बना के ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा है और अपने घर में ज़रूर बनाएं। बाय, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।